हेलो स्टूडेंट्स, इम्प्रॉपर इंटीग्रल में, रियल एनालिसिस के इम्प्रॉपर इंटीग्रल में आज हम आगे पढ़ते हैं जर्नल टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस ऑफ ए फंक्शन। ठीक है, एट पॉइंट ए, एफ नीड नॉट बी पॉजिटिव। अभी तक आपने पढ़ा था पॉजिटिव के लिए, अब क्या कह रहे हैं, ज़रूरी नहीं कि आपका एफ जो है वो क्या हो, पॉजिटिव हो। तो पहला टेस्ट आपके पास क्या है, कोची टेस्ट। द नेसेसरी एंड सफिशियंट कंडीशन फॉर द कन्वर्जेंस ऑफ द इम्प्रॉपर इंटीग्रल ए से बी एफ डी एक्स एट ए। ओके, तो आपके पास क्या दे रखा है कि नेसेसरी और सफिशियंट कंडीशन निकालनी है आपको कन्वर्जेंस ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल। आपके पास इंटीग्रल है ए से बी एफ ऑफ एक्स एट ए के ऊपर। ओके, ए पे देखना आपको कन्वर्जेंस की कंडीशन सफिशियंट और नेसेसरी क्या है। ओके, ए बींग्स द ओनली पॉइंट ऑफ इन्फाइनाइट डिसकॉन्टिन्यूटी, ए आपके फंक्शन के लिए इन्फाइनाइट डिसकॉन्टिन्यूटी का काम करता हो, इज दैट टू ईच, तो आपके पास एक एम मिलेगा जो बड़ा होगा किससे, जीरो से। देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव नंबर डेल, और आपके पास एक पॉजिटिव नंबर डेल भी एग्जिस्ट कराएगा कि सच दैट एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीग्रल ए प्लस में एप्सिलॉन वन से ए प्लस एप्सिलॉन टू एफ डी एक्स की जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो लेस हो किस से, एम से। और आपने जो एप्सिलॉन वन और एप्सिलॉन टू जो चूज किए हैं वो किस से लेस हो, वो आपके डेल से लेस हो। ओके, तो डेल आपने क्या लिया, कोई भी पॉजिटिव नंबर लिया। ठीक है, तो कोची टेस्ट में क्या है कि आपकी नेसेसरी और सफिशियंट कंडीशन चाहिए आपको अपने इम्प्रॉपर इंटीग्रल के लिए। जो आपका प्रॉपर इंटीग्रल जो दे रखा है वो बेटा किसके ऊपर, उसके लिए ए जो है वो इनफाइनाइट डिसकॉन्टिन्यूटी का काम करता हो। तो हमारे पास क्या मिलेगा कि कोई एम मिलेगा जो पॉजिटिव है। ठीक है, देयर एग्जिस्ट उसके साथ साथ एक पॉजिटिव नंबर डेल भी मिलेगा कि इंटीग्रल ए प्लस में एप्सिलॉन वन से ए प्लस में एप्सिलॉन टू एफ डी एक्स की जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो लेस हो किस से, एम से। ओके, अब आता है आपका एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस। एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस क्या है, द इम्प्रॉपर इंटीग्रल ए से बी एफ डी एक्स इज सेट टू बी एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट। हमारे पास जो इंटीग्रल दे रखा है हम उसको क्या कहेंगे, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस कहेंगे। कब, इफ आपके ए से बी मॉडुलस ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज भी क्या हो, आपका कन्वर्जेंट। हम इसको एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट कहेंगे कब, जब आपके फंक्शन का जो मॉडुलस है वो सेम लिमिट के ऊपर क्या हो, कन्वर्जेंट हो। ठीक है, अब आपके पास एक थ्योरम आती है कि एवरी एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट इंटीग्रल, एवरी एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट। ओके, तो इसके प्रूफ में हमने लिया, लेट द इम्प्रॉपर इंटीग्रल, आपके पास कोई इम्प्रॉपर इंटीग्रल लिया ए से बी एफ डी एक्स बी एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट एट ए पी। ये कहता है एवरी एब्सोल्यूट, हमें ये दिखाना है कि प्रत्येक एब्सोल्यूट फंक्शन जो है कन्वर्जेंट फंक्शन वो कन्वर्जेंट भी हो। तो एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट आपकी डेफिनेशन पूछी जा सकती है। ठीक है, तो हमें इम्प्रॉपर इंटीग्रल में एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट फंक्शन को कन्वर्जेंट दिखाना है इंटीग्रल को। ओके, तो हमने ले लिया कि हमारा ए से बी एफ डी एक्स है वो एब्सोल्यूट है कन्वर्जेंट किसके ऊपर, ए पॉइंट के ऊपर। अगर वो आपका एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट है तो बाय डेफिनेशन ऑफ एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट उस फंक्शन का जो मॉडुलस है वो भी सेम पॉइंट पे क्या होगा, कन्वर्जेंट। ओके, वो कन्वर्जेंट है तो हम बाय कोची टेस्ट का रिजल्ट लगाते हैं। अभी कोची टेस्ट हमने पढ़ा था कि फॉर एवरी एम जो बड़ा है किससे, जीरो से, देर एज से पॉजिटिव नंबर डेल मिलेगा कि सच दैट। ठीक है, पूरे ए प्लस में एप्सिलॉन वन से ए प्लस में एप्सिलॉन टू मॉडुलस ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स का कंप्लीट का एब्सोल्यूट जो वैल्यू हो लेस हो किससे, एम से। और आपका एप्सिलॉन वन और एप्सिलॉन टू किसके बीच में लाए करते हैं, जीरो डेल के बीच में। ओके, मैंने इसको इक्वेशन नंबर वन मान लिया। ठीक है, ओके, अब हमने क्या लगाया बाय रीमान इंटीग्रेशन। हमने रीमान इंटीग्रेशन में बेटा ये रीमान इंटीग्रेशन जो है हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, तो अभी के लिए आप सिर्फ इतना याद रख लीजिएगा कि रीमान इंटीग्रल में अगर होल इंटीग्रल के बाहर एब्सोल्यूट ले रहा है तो वो लेस इक्वल होगा किससे, हम एब्सोल्यूट जो है वो किस पे लगा सकते हैं, ओनली फंक्शन पे लगा सकते हैं।
ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे कंप्लीट के बाहर एब्सोल्यूट लगा हुआ था, यहाँ पे लेस इक्वल लेस है। इंटीगल ए प्लस में एप्सिलॉन वन से ए प्लस एप्सिलॉन टू और मॉडुलस ऑफ एफ डी एक्स। ओके, मैंने इसको किसका नाम दे दिया, सेकंड का नाम दे दिया, ठीक है। फ्रॉम वन एंड टू, वन और टू से यहाँ पे ये चीज़ देखिए, ये लेस है किससे, एम से लेस है। और यहाँ पे ये चीज़ जो है ये किससे लेस है, इससे। तो मैंने क्या ले लिया, इसकी बजाय लेस है किससे, एम से ले लिया, एम ले लिया ना। देखो इस चीज़ को ये लिख सकते हैं हम, इस चीज़ को क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं भाई कोची टेस्ट। ओके, अब देखिए ये चीज़ यहाँ पे क्या है, लेस है किससे, एम से, तो हमने एम ले लिया, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज दैट बाय कोची टेस्ट, देखिए ये कोची टेस्ट की कंडीशन को होल्ड करा रहा है, तो हम क्या ले सकते हैं, ये आपका जो एफ है वो कन्वर्जेंट होगा किसके ऊपर, एट पॉइंट ए पे। ओके, अब हम एक एग्जांपल लेते हैं टू टेस्ट द टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ जीरो इंटीग्रल जीरो से वन साइन वन बाई एक्स अपॉन में रूट एक्स डी एक्स। ओके, आपके पास एक एग्जांपल है टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ इंटीग्रल लिया जीरो से वन साइन वन बाई एक्स रूट एक्स डी एक्स। ओके, तो आपने इंटीग्रल लिया साइन वन बाई एक्स रूट एक्स, ठीक है। हमने एफ ओफ एक्स चूज किया, एफ ओफ एक्स लिया आपके पास, एफ ओफ एक्स आप सारे कंसिडर करते हो, तो हमने लिया साइन वन बाई एक्स अपॉन में रूट एक्स। यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि ए जो है वो क्या है, इनफाइनाइट डिस्कॉन्टिन्यूटी का काम कर रहा है, किस इंटरवल के अंदर, जीरो और वन के अंदर। ओके, तो जीरो वन के अंदर आपका कर रहा है। अब हमने क्या लिया, मॉडुलस लिया, मॉडुलस लिया, तो जैसे मॉडुलस लेंगे, मॉडुलस ऑफ साइन लेस इक्वल होता है किससे, वन से होता है, तो ये आपका हमने लेस इक्वल क्या डाल दिया, वन अपॉन में रूट एक्स। ओके, अब हमने जी एक्स कंसिडर किया, जी एक्स क्या कर लिया, वन बाई रूट एक्स लिया। ओके, वन बाई रूट एक्स, अब देखिए वो कंपेरिजन टेस्ट वाले लग गया आपका कि जी एक्स जो है वन बाई रूट एक्स लिया, तो हम जी एक्स को देखेंगे कि हमारा जी एक्स कन्वर्जेंट करता है, डाइवर्जेंट होता है उस लिमिट के ऊपर। तो देखिए जीरो से वन जी एक्स डी एक्स है, आपका जी एक्स क्या है, वन बाई रूट एक्स है। अब देखिए इसमें एक्स की जो पावर है, वही आपका एन पी पी रेशियो टेस्ट लगा, पी वाला टेस्ट लगा सॉरी, वहाँ पे एन की वैल्यू क्या है, पी की वैल्यू क्या है, वन बाई टू है, जो लेस है किससे, वन से। तो हम क्या कहेंगे कि हमारा जी एक्स जो है वो कन्वर्जेंट होगा किसके ऊपर, ए जीरो पॉइंट के ऊपर। ओके, तो जीरो पॉइंट पे कन्वर्जेंट होगा। अब देखिए आपके पास यहाँ पे एफ एक्स जो था वो क्या था, मॉडुलस ऑफ एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स जो फंक्शन था वो मॉडुलस ऑफ एफ ऑफ एक्स था। तो देखिए हमारा जी एक्स अब कन्वर्जेंट है जीरो पे, तो हमारा मॉडुलस ऑफ एफ ऑफ एक्स भी क्या होगा, कन्वर्जेंट। तो हैंस द गिवन इंटीग्रल ये क्या है, कन्वर्ज करता है एब्सोल्यूट एट किसके ऊपर, ए पे, कि एब्सोल्यूट देखिए इसका जो मॉडुलस है अगर वो भी कन्वर्जेंट हो किसके पॉइंट पे, तो हम क्या कहेंगे कि हमारा जो इंटीग्रल है वो एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट है। ओके, मतलब जो भी फंक्शन दे रखा है आप उसका मॉडुलस निकालिए, और मॉडुलस करने के बाद जैसे भी आप कन्वर्जेंट दिखाते हैं उसको दिखाइए, जैसे भी आपका जो भी रूल को फॉलो करता है उसके अकॉर्डिंग, जैसे आपने पीछे अभी किया है एफ ऑफ एक्स अपॉन में जी ऑफ एक्स निकालते हो, वहाँ से आपको फाइनाइट वैल्यू मिलती है या जीरो मिलता है या इंफिनिटी मिलता है, आपने तीन टाइप के पढ़े थे थ्योरम्स, अकॉर्डिंग टू दिस आपके पास जो भी मिलता है हम उस चीज़ को फॉलो करेंगे। और अगर हमारा मॉडुलस ऑफ एफ ऑफ एक्स कन्वर्जेंट हो जाता है, तो हम क्या कहेंगे कि हमारा फंक्शन जो है वो एब्सोल्यूट क्या है, कन्वर्जेंट। ओके, तो देखिए एक नोट भी है मेरे पास, एक कन्वर्जेंट इम्प्रॉपर इंटीग्रल नीड नॉट बी एब्सोल्यूट। देखिए हमने पढ़ा था भी कि प्रत्येक एब्सोल्यूट जो है वो कन्वर्जेंट होगा, लेकिन कन्वर्जेंट इम्प्रॉपर इंटीग्रल है वो नीड नॉट बी एब्सोल्यूट। ज़रूरी नहीं है कि आपका कन्वर्जेंट बने वो भी क्या बने, एब्सोल्यूट बने, प्रत्येक कन्वर्जेंट हो वो एब्सोल्यूट हो, ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। ओके, तो हमने क्या किया, हमारे पास एक एग्जांपल है, मैंने सेकंड एग्जांपल लिया, लेट एफ ऑफ एक्स बी डिफाइंड इन द इंटरवल्स जीरो से वन, ठीक है। आपके पास फंक्शन ले लिया, हमने फंक्शन को जीरो से वन के बीच में डिफाइन किया, और एफ ऑफ एक्स कैसे डिफाइन किया, जब वन बाई टू और वन के बीच में तो वन वैल्यू देता है, वन बाई थ्री और वन बाई टू के बीच में है तो माइनस का टू, वन बाई फोर
एंड 1/3 के बीच में है तो 3, एंड 1/5 एंड 1/4 के बीच में लाई कर रहा है तो माइनस का 4, एंड सो ऑन इस टाइप से चला जा रहा है। तो आपको क्या दिखाना है, हमें ये प्रूव करना है कि प्रत्येक जो कन्वर्जेंट इम्प्रॉपर इंटीग्रल होता है, ज़रूरी नहीं है कि वो एब्सोल्यूट हो। और हमने अभी अभी पढ़ा कि एब्सोल्यूट जो है वो कन्वर्जेंट हो सकता है। शो दैट आपके पास है, शो दैट द इंटीग्रल 0 to 1 fdx कन्वर्जेंट बट नॉट एब्सोल्यूट। ओके, तो वी कैन राइट इट, हम क्या लिख सकते हैं अपने इंटरवल को 0 to 1, इसने खुद ही ब्रेक करके रख दिया तो हमने सबको ले लिया 1/2 to 1, 1/2 to 1, 1/3 to 1/2, 1/4 to 1/3 टाइप से ले लिए। और जो भी हमारे पास फंक्शन की वैल्यूज़ थी कि भाई इस इंटरवल के दौरान 1/2 to 1 में जब हमारा फंक्शन था वैल्यू 1 थी, 1/3 to 1 में -2 था, 1/4 to 1/3 में क्या था 3, एंड 1/5 to 1/4 में क्या था माइनस का 4 था, और इस टाइप से हमारा चलता जा रहा था। ओके, तो हमने क्या किया, इसको इंटीग्रेट किया। ठीक है, तो इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, यहाँ पे आपके पास ओनली क्या जाएगा एक्स आएगा, तो एक्स अपर माइनस का लोअर, तो आपका 1 तो बाहर ले लिया मैंने, अपर माइनस का लोअर, तो देखिए आपके पास बन गया 1 × 1 − 1/2। ठीक है, ऐसे मैंने इसको सोल्व कर दिया, माइनस का 2 × अपर माइनस लोअर लिमिट, प्लस में 3 बार था अपर माइनस लोअर लिमिट, माइनस का 4 अपर माइनस लोअर लिमिट। ओके, तो ठीक है, मैंने प्रत्येक इसको इंटरवल जो प्रत्येक जो ब्रैकेट था उसको सोल्व कर दिया। सोल्व करने के बाद मेरे पास क्या आया, मेरे पास आया 1/2 − 1/3 प्लस में 1/4 माइनस का 1/5, एंड इस टाइप से आप चलते जाओगे। अगर आप आगे की यूनिट डालते हैं तो आपके पास आगे की टर्म्स जो डालते हैं तो आपके पास इस टाइप से बनता जाएगा। ओके, अब देखिए हमें पता है, ये देखो लॉग 1 प्लस एक्स का ये हमारा जो एक्सपेंशन बना है किससे बना, लॉग 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स जो है आप उसका एक्सपेंशन में एक्स की जगह क्या डालिएगा, 1 डालोगे, तो इधर तो क्या बन जाएगा आपका लॉग 2 बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो भी वैल्यूज़ थी 1 − 1/2 प्लस में 1/3 − 1/4, मतलब इधर ये डलता जाएगा जहाँ जहाँ आपका पास एक्स था। ओके, अब देखिए मैंने क्या लिया, मुझे इस अपने फंक्शन की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो मैंने 1 को उधर ले लिया, -1 हो गया, -1 प्लस में लॉग 2। ओके, अब देखिए मैंने माइनस भी कॉमन ले लिया, जैसे मैंने माइनस कॉमन लिया तो मेरे इंटीग्रल की वैल्यू आ गई। ओके, अब इसके आर्चस में क्या है, 1 माइनस में लॉग 2, 1 को क्या लिख सकते हो आप, लॉग ई लिख सकते हो, माइनस में लॉग 2, इसको कंबाइन करोगे तो क्या होगा, लॉग ई बाई 2, विच इज़ ए फाइनाइट, विच क्या है वो फाइनाइट वैल्यू है। तो फाइनाइट वैल्यू है तो हम क्या कह सकते हैं कि 0 to 1 के ऊपर देखिए हमारे पास फाइनाइट वैल्यू है, तो हमारे पास जो इंटीग्रल है वो क्या बन गया बेटा, आपका कन्वर्जेंट बन गया। ठीक है, अब ये था एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट चेक करना था आपको। तो एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट में आप क्या लेते हो, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट में हम लेते हैं कि एफ ऑफ एक्स का मॉडुलस ले लेते हैं। तो एफ ऑफ एक्स का जैसे मॉडुलस लेंगे तो आपने अपने फंक्शन में नोटिस किया था कि 1/2 to 1 में 1 नेगेटिव था, 1 पॉजिटिव था, फिर 1/3 to 1/2 में नेगेटिव, इस टाइप से था। अब जब एब्सोल्यूट लोगे तो ये सारे क्या बन जाएंगे, प्लस बन जाएंगे, और प्लस बनने के बाद जैसे ही हमने इंटीग्रल किया, इंटीग्रेट किया, वैल्यूज डाले, आपके पास ये आ गया। अब ये जो सीरीज है ये हमारे डाइवर्जेंट है, क्योंकि हमें यहाँ से कोई फाइनाइट वैल्यू नहीं मिल रही है। तो हम क्या कहेंगे, जब कोई फाइनाइट वैल्यू ही नहीं मिल रही तो हम क्या कहेंगे कि हमारे जो सीरीज़ है वो क्या है, डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट सीरीज है, तो इसका मतलब फंक्शन भी डाइवर्जेंट है। ओके, तो देखिए हमारे पास मॉडुलस ऑफ एफ ऑफ एक्स जो है वो इज़ नॉट कन्वर्जेंट, एंड हैंस एफ 0 to 1 के ऊपर एफ डी एक्स है ना आपका, मतलब फंक्शन जो है वो कन्वर्जेंट है लेकिन उसका जो मॉडुलस लिया वो कन्वर्जेंट नहीं है। तो हम क्या कहेंगे कि प्रत्येक जो फंक्शन है कन्वर्जेंट फंक्शन है वो ज़रूरी नहीं है कि वो आपका एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट भी हो। ओके, थैंक यू सो मच, इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन आस्क विद मी। ओके, थैंक यू।